हेलो गाइस, मैं हूं रमेश, आप लोग बाइक अपडेटर। दोस्तों आपके पास जो हाजिर है एक हीरो की सुपर स्प्लेंडर बाइक है जो 2023 के अंदर बदलाव के आ चुके हैं। इस बाइक के अंदर बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस बाइक के अंदर कौन से बड़ी बदलाव कंपनी किया है आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे बड़ी बदलाव की अगर बात की जाए तो फ्रंट में आप देख सकते हो, पहले आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे कंपनी पूरी तरह से LED हेडलाइट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डीएल भी प्रोवाइड कर रही है। अगर डीएल की बात की जाए तो इस प्रकार आपको डीएल देखने को मिल जाएगा। ये जो हेडलाइट है पूरी तरह LED हो चुका है, आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये पूरी तरह हेडलाइट LED हो चुका है, तो यहाँ पे आपको LED जो स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं जहाँ से इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, है हीरो की दत्ता मोटर्स जो बैंकुरा में अवस्थित है। अगर आप कोई भी बाइक या फिर स्कूटर परचेस करना चाहते हो दोस्तों, तो दत्ता मोटर्स से आप कोई भी बाइक या फिर स्कूटर परचेस कर सकते हो। तो अगर मीटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। जो स्प्लेंडर बाइक के अंदर आती है वही सेम मीटर कंसोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहली बार ऑफ कर देता हूँ तो ऑफ करने के बाद कुछ इसको देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रोम का फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पे नेटो लाइट, ITS की बैजिंग, इंजन मास्टर लाइट, लो फ्यूज इंडिकेटर, FRH और Trip 1, Trip 2, और उसके साथ साथ आपको रियल टाइम माइलेज भी शो करेगा। तो उसके साथ साथ इस मीटर के अंदर आपको ब्लूटूथ कार्ड भी देखने को मिल जाएगी, जो अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख सकते हो। अगर की बात की है तो बेसिक से पहले जैसा आपको की देखने को मिल जाएगा हीरो की लोगो और हीरो की बैजिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, इसका जो इंडिकेटर है यहाँ पे आपको पहले जैसे इंडिकेटर देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर फोन की टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी तरफ से TVS टायर आपको देखने को मिलता है। 800 का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर स्विच की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर हॉर्न, लेफ्ट इंडिकेटर, अपर डिपार्ट पासिंग, और इसके साथ साथ ITS की सुविधा आपको दिया गया जो पहले से आपको देखने को मिल रहा है, सेल्फी बटन। तो यहाँ पे आपको पहले जैसा इंजन देखने को मिल जाएगा, इंजन अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ITS स्टिकरिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा, और सुपर स्प्लेंडर जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे आपको 3D में देखने को मिल जाएगा। जो पहले में स्टिकरिंग में आपको देखने को मिलता था, यहाँ पे आपको 3D में देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिलहाल इस बाइक 3 कलर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, एक है ब्लैक, दूसरी है रेड, तीसरी है डार्क एडिशन। तो इन तीनों कलरों से कौन सी कलर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वो मुझे आप कमेंट के बताइए। साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक की अगर और चेंजेस की बात की जाए तो वह है इसका साइलेंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका साइलेंसर जो है पहले से पतली कर दी गई। पहले जो साइलेंसर था वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता था, पीछे से भारी भारी आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहले साइलेंसर था कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो साइलेंसर है यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो पहले से पतली कर दी, जो देखने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों इसका टायर साइज है वो भी पहले जैसा आपको देखने को मिलता है, यानी 90-90-18 का ट्यूबलेस टायर आपको प्रोवाइड कर रही है, जो पहले से आ रही है दोस्तों। 90-90-18 जो टायर साइज है ये काफ़ी ज़्यादा सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको पतली कोई भी टायर साइज देखने को नहीं मिलेगी। अगर रियर की टेल लाइट की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों तो इस बाइक ने कंपनी अभी भी आपको सिंगल स्पीकर हॉर्न प्रोवाइड कर रही है, कोई भी डबल स्पीकर हॉर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस बाइक के जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो 180 mm। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई भी उबड़ खबड़ एरिया में बाइक राइड करते हो तो नीचे से कहीं भी टकराएगा शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा सही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कटअप देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छी है सेफ्टी के मामले में। पहले जैसा आपको इंजन देखने को मिल रहा है उसका पावर टॉक सेम ही है, कोई भी बढ़ोतरी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हीरो की दमदार इंजन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। जो इंजन का कलर है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार गार्ड भी देखने को मिल जाएगा, जो आपको पैर की गर्मी हवा से बचाती है दोस्तों। तो आप बात करूँगा इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इतनी सारी बदलाव हुई है दोस्तों, जैसे कि फुली डिजिटल मीटर, फुली LED हेडलाइट, साथ ही साथ दोस्तों साइड स्टैंड कटअप। तो इतने सारे बदलाव होने के बाद भी दोस्तों ये बाइक आपको लगभग ऑन रोड प्राइस जो है वो 1 लाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी अभी भी SP125 से बहुत ज़्यादा कम आपको प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। तो अगर इसके सीट हाइट की बात की जाए तो 799 का सीट हाइट आपको देखने को मिलता है, पहले जैसा बहुत ज़्यादा सीट हाइट नहीं है। अगर आपकी हाइट कम भी है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से बाइक को राइड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, सबके शेयर कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।